यू नो. सो ये उनकी कृपा है, यही उनकी एक तरह से प्रेजेंस फील कराना होता है कि जो दो घंटे आप बैठ जाते हो तो पलक झपकते ऐसे लगता है ये तो एक पल ही था, एक पल में ही सब कुछ हो गया. सो ये भी जिसको कहते हैं ना परमात्मा की लीला होती है, और आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि दो घंटे कैसे आपके बीत गए, और आप सोचो अच्छा अभी तो आए थे, अभी तो जाना पड़ेगा, है ना, ये माहौल छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सब कुछ जो सत्संग का जो रस बरसा रहे हैं गुरुजी, ये सब फिर वापस उस दुनिया में जाना है ना. हालांकि बनाई हुई दुनिया है पर हमारी नेगेटिविटी की वजह से वो दुनिया भी खराब हो गई. सो बहुत सारा प्यार आपको, और बहुत सारा जिसको कहते हैं ना हिम्मत, बहुत सारी बहुत सारा प्यार गुरुजी का. और वो बैठ के देखो चमकते धमकते, मतलब अलग से इनका नूर है, रूप है ना. और ऐसे कई गुरु मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे, सोचता ही बंदा रह जाता है, यू नो. अब देखो हमने तो बाकी सब भगवानों की तो रूपरेखाएं बनाई हैं, और जिस आर्टिस्ट ने बनाई होगी, जिसने भी सदियों से, कोई भी हमें पता नहीं कि कैसी रूपरेखा होती है, किसी की भी नहीं हमें पता. तो जब आप गुरुजी के पास आते हो तो पहले तो आप सोचते ये तो गुरु है ना, जैसे कोई गुरु धार दें तो ये गुरु वैसे वाले गुरु हैं, अच्छा. और इसके बाद फिर आप ये सोचते हो कि चलो ये एक मांगने का स्थान है, जहाँ जाएंगे बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, वहाँ जाएंगे. जैसे हमारी आदत है, जो भी परमात्मा का दर है हमने उसको मंगते का दर बना दिया, ठीक है ना, मांगने का दर बनाया, ये देंगे, ये करेंगे, चलिया रख देंगे, फिर हम जिसको कहते हैं जाके माता के यहाँ चुन्नी चढ़ा देंगे, अच्छा ये काम कर दे तो मैं ये आऊँगा तेरे नंगे पैर चल के, है ना. ये सब हम अपनी क्या करते हैं, मांगते हैं. तो हमने जो पवित्र स्थानों को क्या किया, हमने मंगते का स्थान बना दिया. सिर्फ मांगने ही ले जाओ, अपना अंदर से क्या बदलना है उसके लिए नहीं हम जा रहे. सो और गुरुजी का भी दर ऐसे ही होता है ना, पहले जब जाते हैं, अरे तुम्हें पता है आज वो ना, आजकल गुरुजी इतने ट्रेंडिंग है हमारे गुरुजी, हर जगह फैले हुए हैं वो, मतलब वैसे बेचारे पतले से हैं, बट वैसे मतलब उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो चारों तरफ है. तो कोई अच्छा तुम अभी तक गुरुजी के पास गए नहीं, अच्छा मुझे को लगता है यार मैंने कोई पता नहीं कुछ हो गया है मेरे साथ. तो आप पहले ऐसे जाते हो गुरुजी के पास, किसी ने आपको बताया होता है, किसी ने आपको यू नो आप दुखी होते हो तब आपको गुरुजी बुलाते हैं, कोई ऐसे ही चल पड़ता है चल दर्शन हो. तो जाना अच्छा है, बार बार जाना भी गुरु के पास अच्छा है. मंदिरों में जाना, जहाँ 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 आपकी आस्था है वहाँ जाना बहुत अच्छा है. बट जाते जाते कितने जन्म हो गए हैं हमें, जाते जाते ऐसी जगह पे कितने जन्म हो गए हैं, पर हमको जाना नहीं आया, हमको गुरुओं के पास परमात्मा के पास जाना नहीं आया. पैर तो चल के जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ चल के जा रही हैं, हर चीज़ हमारे साथ चल के जा रही है, पर हमारा जो मन है वो क्या करते, गुरु के चरणों में नहीं जाता, परमात्मा के चरणों में नहीं बिछता. तो ये जो हम जन्मों से चले जा रहे हैं ना इधर, हर बार हम कृष्ण भगवान के टाइम में भी पैदा हुए होंगे, हम रामचंद्र जी के टाइम पे भी पैदा हुए होंगे, हम शिव जी के टाइम में भी पैदा हुए होंगे, पर हम सीखे नहीं. तो इसलिए भटकते भटकते जूनों से निकलते निकलते आज जब हम यहाँ आए हैं, और जब आपको सीखने को मिल रहा है, आपको चोट लगती है जब आप बैठते हो सत्संग में, तो सबसे ज़्यादा चोट लगती है आपको कि जो शब्द सुनते हैं आप, तो उससे आपको एक चोट लगती है कि आप अपने आप को उसी में आप ढालोगे, एक सांचा डालोगे, यू नो, कि मैंने आज ऐसे किया. आपको खुद को एहसास होगा कि मैं कहीं गलत हूँ या मैं कहीं तो गुरु से आप बात कर सकते. यहाँ पाप और पुण्य दुनिया के हिसाब से नहीं है, परमात्मा के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से चलता है. वहाँ के जो रूल्स होते हैं, उनका जो धर्म होता है, वो उनके हिसाब से चलता है. हम अपने बनाए बैठते हैं. पहले सती होती थी तो सब बोलते थे सती, अच्छा वो प्रथा होती थी, हमने प्रथाएं बनाई हैं, बट हमने माना नहीं परमात्मा को. कभी हमने उनको जानना तो हम जान नहीं सकते, पर उनको प्यार से नहीं माना हमने, हमने उनको प्यार ही नहीं दिया. हमने बस वो जब काम ठीक हो गया वाइट झंडी दिखा दी, मेरा काम हो गया, है ना, फिर उसकी वजह के और मांग लिया. सो हमें ये जो रूप मिला है, ये आए हैं, दिखाया ही गुरु जी ने,
कभी कभी वो कहते थे कि जो मैं तुम्हें अपना रूप दिखाऊं तुम सहन नहीं कर पाओ, तुम एक 0 वॉट का बल्ब हो और मैं 4000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी, कैसे वो 0 वॉट में आएगी, है ना। तो इसीलिए वो जो दिखाते हैं वो होती नहीं है। जितने भी हमारे 200 गुरु पातशाहियाँ हुई हैं वो भी जो दिखाते थे वो थे नहीं, क्योंकि हमारे पास वो कहते इलाही नूर देखने की वो नज़र नहीं है जब तक वो ना डाले, ठीक है ना। तो जब वो आए तो इतने सुंदर से रूपरेखा में आए, तो हम इन्हीं को लेके, चेहरे को लेके, यू नो, कभी इनकी आंखें टिमटिमाती हैं, उनकी तीखी सी नाक है, मतलब एक जो चेहरा जो आपके दिल में बसता है उसके लिए आपको प्यार उमड़ता है। जब वो प्यार उमड़ता है तो वो प्योर प्यार होता है, एकदम सच्चा प्यार होता है। तो ये सीखो जब आते हो सत्संगों में। प्रॉब्लम्स तो चलेंगी, बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, पोटलियाँ सबकी बड़ी बड़ी हैं, है ना। किसी को लगता है यार ये जो सत्संग करी इसकी तो पोटली कोई नहीं होनी है, है ना, मेरी भी बहुत बड़ी है, मैं छुपा रही थी, मैं दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। तो सबकी है, ऐसा नहीं है कि हमारी किसी की नहीं है। बट मुझे लगता है कि मेरा ये जन्म सफल हुआ और आपका भी जन्म सफल हुआ कि गुरु हमारी ज़िंदगी में आए, उन्होंने हमको बुलाया, ये मौके दिए, ये पल दिए, ये जो आप 2 घंटे बैठ के बस भूल गए, रोए भी, प्रॉब्लम भी बता दी, पिटे भी, साड़ी किस्मत खराब, ऐ खराब, वो खराब, बोला ना अपने गुरु जी को, ये दर्द देखो मेरा, ये मेरे अंदर से दर्द, सब बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। जब वो दर्द बाहर निकलेगा ना फिर बंदा शांत हो बैठा, अच्छा ठीक है मैंने आपको बता दिया, अब बस अब मैं आराम, है ना। सो ये चीज़ें निकलनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब कोई ना कोई वजह होती है आपके जाने की गुरु के पास। हमारे भी जिसको कहते हैं ना जर्नी जब शुरू हुई थी तो हम लोग भी ऐसे ही थे। मैं तो कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न ख्यालों की, मतलब मेरी सोच इंडियन थी ही नहीं, आज वैसे कम है बट ज़्यादातर इंडियन ही हो गई, समझ लो इंडियन की सोच की सोच ऐसी। तो गुरुजी ने भी तो बदला ना, सोच बदली मेरी, समझ बदली, एक्सेप्ट करना सिखाया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो गुरुजी की संगत है उसको मरना ही नहीं होगा, इमॉर्टल ही रहेगा। सो क्या हो रहा है, हेलो, शांति से, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। सो हर चीज़ उन्होंने बदली है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स यहीं बहुत आएंगे, पर वो आगाह कर देते हैं, आपको बता देते हैं, आपको हिम्मत भी पहले देनी शुरू कर देंगे, है ना। आपको सब कुछ तो वो दे रहे हैं पर हमको दिख नहीं रहा कि वो दे रहे हैं, है ना। हमको तो वो चाहिए, अच्छा ये जो मैंने मांगा था ये मिल गया, ये होता है देना। बाकी जो वो आपको हेल्थ ठीक कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप कितने लंगर खा के जो आज अस्पताल में पड़े, आपको नहीं पता, हमको किसी को नहीं मालूम है। पर मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं बैठी हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं और मैं लंगर खा पा रही हूँ और मुस्कुरा पा रही हूँ, तो आज मेरा जीवन सफल है। हर चल पा रहा, ये हिलती डुलती मोटो को देखो ज़रा, ठीक है, इसका नाम ही मैंने हिलती डुलती मोटो रखा हुआ। सो बस एक छोटा सा सत्संग करूँगी, फिर मैं चाहती हूँ ये सुनाए, क्योंकि ये हैप्पी बर्थडे भी विश करना है, तो ये देखो क्या कहते हैं, नूरानी चेहरा, काली जुल्फी, अब तो सफेद हो गई है, कोई बात नहीं सुरंग सुनहरा है, नीली आंखें किधर है यार, वो थोड़ी ना। सो बस ये याद रखना है कि जब मैं आपको एक छोटी सी एक सत्संग सुनाऊंगी कि क्या गुरु को पता नहीं होता। जब मैं गुरुजी के पास गई तो हेलीकॉप्टर तो आ गया था हमारा, पर आपको ये नहीं कि उन्होंने वो ब्लेसिंग देके वो ले आए, ठीक है ना, उन्हीं की ब्लेसिंग से, अदरवाइज नामुमकिन था। तो जब आए तो फिर अब गुरुजी को थैंक यू भी किया या जो भी है, तो खिंचाव बढ़ने लगा गुरुजी की तरफ, और मेरा मन होता था कि मैं माला है ना, पता नहीं ऐसी मन में आया, मुझे कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने भी अपना एक गुलाब की माला लेनी और 2 सफ़ेद माला लेनी और गुरुजी के साथ, यू नो, आसन पे बैठने से पहले जल्दी जल्दी भाग भाग के पहुँच जाना। और जब वहाँ जाना तो वो अंधेरे मोड़ पे एक फूल वाला रुकता था, तो उससे उसको पता था कि इतने बजे आएगी आसपास, और वो तैयार रखता था, क्योंकि मेरे को लगता था बस उठाऊँ पैसे दूँ। एक बार ऐसे हुआ कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे, और मैं मन में सोचूँ मैं किसे मांगू भी ना, मैं क्या करूँ, मेरे 200 रुपये, अगर मान लो गाड़ी में डीजल भी पता नहीं कितना है, कम था बहुत,
तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तो वो जो जितने की थी, चलो अब तो गुरुजी आई मीन 160 रुपीज की आती थी वो पूरी मालाएं, और मैं फिर पहुंची थी, 40 रुपये बचे हैं। तो क्या गुरु को पता नहीं था, क्या गुरुजी को मालूम नहीं था कि इसके पर्स में कितने पैसे हैं या इसकी इसकी तकलीफ क्या है। और फिर वहाँ जाती थी, मत्था टेकती, तो मुझे कहते आगे से उठा ली, मैं कर लो ये देखो बड़ी मोटी सामी है, तो मैं मन में ये सोचती थी 40 रुपये मेरे जेब में पड़े हुए हैं, और मैं मतलब मन में सोचती पता नहीं किस चीज़ की सिठा रही, किस चीज़ की मेरे को वो बना दिया। और देखो उनके वचन के मायने हम पर्स में रखे हुए पैसे से नहीं है, उनके वचन के कुछ मायने हैं जो हमें समझ में बाद में आते हैं। आपके आप क्या उनको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको बहुत पता होता था। फिर लाते लाते कितनी बार तो ऐसे ही होता था मेरे साथ, बस मैं सोच रही थी किसी तरह से 160 रुपये मेरी जेब में होने चाहिए, तो उसने एक दिन रेट बढ़ा दिया, मैंने कहा मैं नहीं दे रही, 160 का फिक्स हुआ वही देना मैंने। तो ऐसा करते करते कितनी बार ऐसा होता था, क्या गुरु को पता नहीं। और जब ऐसे होता था आ गई मुट्ठी सामी आ गई, मैं मुझे सोच रही थी वचन उनका वचन, आप ना बोलोगे गुरु जी मेरे पास तो इतने पैसे आप मुझे कैसे कह रहे हो, आप उनको क्वेश्चन नहीं करते। बट आप ये देखो कि जिंदगी के उतार चढ़ाव और हर पड़ाव में उन्होंने मेरे को फूलों की तरह रखा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में उनके जाने के बाद इतनी उठापटक हुई, बट वो क्या रुतबा दिया कि जब निकलूं तो सेठाने की तरह ही निकलूं। सो ये है उनकी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग 40 रुपये की नहीं थी, ब्लेसिंग ये थी कि आने वाले टाइम में भी जगह आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा तो भी वो आपको फूलों पे और अपने हाथों में बिठा के रखे। पर आप ये मत सोचो कि साथ में अगर कांटा भी होगा वो थोड़ा सा चुभेगा, बट ये सोचो कि गुरुजी ने आपके लिए फूलों की सेज पे बिठाया हुआ है, तपिश भी है, जो हमारे 10 गुरुओं ने भी तो तपिश सहन की, गुरु अर्जन देव जी ने कितनी सहन की थी ना पीड़ा, तो हम थोड़ी सी पीड़ा लेके भी आपको लगता है आए मर गए, हाय साडा की होएगा, ये होता है हाय हाय लगी रहती है, कुछ नहीं है। उनके हाथ में डोर पकड़ा दो और छोड़ दो, सोचना ही बंद कर दो, बोलो दिल ये लिया दिमाग, ये लिया दिल, ये लिया शरीर, ये लो पकड़ लो अब आप संभालो, हमें यहाँ पैदा किया तो संभालने वाले भी आप। सो हारना नहीं, घबराना नहीं कभी जिंदगी में। हम मैं भी घबरा जाती हूँ, ऐसा नहीं है, एक दिन बड़ी एंजाइटी हो जाएगी है की करिए ऐसे करते करते एक दो दिन, फिर तीसरे दिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। सबको होगी, मुझे भी होती है, आपको भी होगी, दुख भी लगेगा, रोना भी आएगा, सब कुछ होएगा, पर एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लो और बोल भी दो, अपने दिल का हाल सुना दो, अच्छे भले जैसे भी हैं हम उनके और वो हमारे हैं, है ना। सो हैप्पी बर्थडे टू रोजी आंटी एंड हैप्पी बर्थडे वेदांत, उनके एक बार में गा देंगे, अभी वेट करना पड़ेगा। आई थिंक ये क्या है, अरे हाँ ओए ओए किसी ने कल मांगी, ओ हो हो कल मांगी थी मुझसे किसी ने, अच्छा ये वाला मैं सुनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। मेरे ना गुरुजी के साथ कनेक्शन था, कभी शिवजी के साथ ना मेरा कभी ऐसा मुझे बचपन से कोई कहता था जो शिवजी को मानते हैं ना वही गुरुजी के पास आते हैं, मतलब उनका लिखा होता है, तो मैं उनको गोदी में ही रख लेती हूँ, मरी सबको मिलेंगे पहले मैं रख लूँ। सो ये 2010 की बात है, 9 की बात है, अब प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आपको ये मिलेंगे, नहीं सुनोगे तो फिर उसका वो मूल भाव नहीं पता लगेगा आपको। क्या हुआ कि 2009 में मुझे मतलब किसी को ड्रीम आया था कि ओल्गा नु कह दे, और सबके ड्रीम नहीं मैं सुनती, मैं नहीं सुनती, मेरे को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि कभी कभी मनगढ़ंत ना और डर लगता है। तो वो कहते हैं ओल्गा नु कह दे कि सैटरडे नु आ जाएगी बर्थडे मंदिर, गुरु जी के चोला छोड़ने की बात है और आ जाना। अच्छा मैं वो सत्संग सुनाई देती हूँ, वो था पर्सन पर चलेगा, उन्होंने बोला था कि जो कुटिया की मिट्टी है ना उसको बोला वो अपने माथे पे लगाएगी, और कुछ उनकी बोला था कि मेरी आसन को ठीक करना है उसने। तो मैंने कहा अच्छा, हमने कभी जाते नहीं है ना ऐसे करके देख के, हम तो बस दूर से मत्था टेक कर आ गए। तो जब मैंने कह रहे उसको बोला आसन के पीछे देखेंगे,
तो जब मैं पहले गई आसन के पीछे देखा तो उनकी जो अब तो टिकोजी है, मतलब उनका जो कवर है, मैं वो टिकोजी कहती हूँ, सॉरी टू से, मुझे ना वो टी पॉट पे कवर डालते हैं, सो वो उसके जब तब नहीं लगा होता था तो उसके पीछे मैंने जाके देखा तो एक लेस लगी हुई होती थी गोल्डन कलर की, तो वो सारी की सारी उखड़ी हुई, और मैंने कहा अच्छा, तो वो भी देख ली, वहाँ जाके देखा, फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो और कुछ, तो जब मैं सैटरडे को गई एक बार मैंने जाके देखा, तो सैटरडे को जाके मैंने वो लेस वगैरह लगाई चिपकाई, और इसका फोन आ रहा, तो मैंने जब मैं वहाँ मिट्टी देखने गई, मिट्टी लेने गई कुटिया से, तब बड़ा इजी था जाना, है ना, आजकल तो डंडे बड़े सारे लगे होते हैं वहाँ पर, है ना, सो मतलब सारे इतनी सारे हो तो बंदा दूर से छू भी नहीं सकता, है ना, सो तब तो बड़ा खुला सा होता था, तो मैं वहाँ गई तो देखा तो वो सूखी है, वो हाथ में ही ना है, क्योंकि जो लेपते हैं वो हाथ में ही ना है, मैंने कहा यार गुरु जी ने जो बोले वो तो सत वचन होता है, तो एनीवे मैंने कहा चलो थोड़ी देर में आती हूँ। तो जब मैं अंदर गई मेन हॉल में गुरु जी का, तो वहाँ पर शिव जी ने नीलकंठ के दर्शन दिए, आधे नीले आधे गोल्ड, जो उनकी मेन मूर्ति है हॉल में ना, तो और जिसको कहते हैं पूरा नीलकंठ, पूरे जैसे यहाँ जहर होते हैं, और आंखें ऐसे पानी सी, पानी पानी सी आंखें, जैसे वो देख रहे हो आपको, मैं तो, और मैंने पता मेरे पर मेरे को फोटो खींचने की शौक नहीं था, मैंने गुरुजी की भी कभी फोटो ऐसे नहीं खींची थी, तो जब मैंने ना, मेरे पास वो N95 नोकिया का फ़ोन होता था, पहले ज़माने की बात है, मतलब बुढ़े हो गए होंगे, सो पहले ज़माने की बात कह रहे हैं 2009 की, तो जैसे ही हम मैंने कहा चलिए फ़ोटो ही खींच लेती हूँ, पहली बार लाइफ में मैंने बड़े मंदिर में फ़ोटो खींची, और उसमें अब वो फोटोशॉप तो कोई हो नहीं सकती, आजकल तो हर चीज़ फोटोशॉप, ये मेरे को इतने गोरे से बनाया, मेरी शक्ल ही बदल गई मेरे गुरु की, ये देखो ये कितना डिफरेंस है ना गुरु जी में, सो वो फोटो खींची, और ये वही फोटो है 2009 की, और उसमें नीलकंठ के पूरे दर्शन है, आधा चंद्रमा नीला आधा गोल्ड आधी बॉडी, और उनकी हनुमान जी के भी उनमें दर्शन, सो ये उनकी मर्जी है कि वो कैसे आपको दर्शन दे, तो ये आज आपको मिलेंगे, मुझे भी नहीं पता, कल मुझसे कोई पूछ रहा था ये वाले शिव जी कहाँ मिलेंगे जो पूजा के दरबार में, मैंने कहा ये लगाने हैं यू नो, तो मुझे पूछ रहे थे और ये नहीं पता, हाँ ये पूछ रही थी, हाँ ये देखो ये चलो आप अरदास करे जाओ और मैं शेयर करती जाऊँ, वेरी गुड वेरी नाइस, सो इस तरीके से हम जुड़े, और आज हम जो ये शब्द बजाते हैं सीखते हैं, तो डीजे अंकल की वाइफ भी आई है, कहाँ गई आंटी, कितने गए तुसी, पीरे कहाँ बैठे हो, दिखाई नहीं दे रहे यार, उनको आगे बिठाओ यार, पीछे एकदम बोले आगे लेके आओ, जो अंकल वहां शब्द बजाते थे, तो आज उनको बहुत सारा प्यार भी देना, आज तुसी क्या आ जाओ, और बस आई थिंक रोजी आंटी आप अपना सत्संग शेयर करेंगी, एक तो वो वाला सुना देना कैसे बचे हैं आप, जरूर न्यू लाइफ है आपको, ये हिलती डूलती बोलो हेमकुंड साहब पहुंच गई थी हमसे, तो मतलब थोड़ा सा केदारनाथ में भी चार सीर जो है सास ही भूल गई थी मेरी, इनको देखो जरा हिम्मत देखो, ये तो देने वाले परमात्मा बैठे हुए हैं, तो इनका नाम मैंने ना तब से चलती हुई टोल डोल के हैं, तो फिर थोड़ा अच्छा नाम देना चाहिए था ना, मिलती डुलती फोटो रख दिया नीचे नीचे, पहले सत्संग करके तुम साढ़े नाल बैठो, आओ जी तुम।